Hello friends, so now we started the next topic is construction of syntax tree. Students, आप लोगों ने अभी तक क्या किया था, हमें एक expression given होता था और उस expression पे हम एक simple general एक syntax tree generate कर देते थे. लेकिन अगर मेरे पास कोई identifier नहीं है और मुझे कोई mathematical expression including identifier given है, तो उसको generate करने के लिए compiler हमें क्या करता है, कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिन फंक्शन की हेल्प से हम सिंटेक्स ट्री को जनरेट कर सकते हैं. ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमें ट्रांसलेशन रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो आते हैं हमारे सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर. तो देखो, हम देखते हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटेक्स ट्री फॉर एक्सप्रेशन, यानी किसी एक्सप्रेशन के लिए हम कैसे कहेंगे, कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या करें, सबसे पहले हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था. फॉर एग्जांपल, अगर गिवन है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, एक इनफिक्स रूल है और इनफिक्स को पोस्टफिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करते थे, ए प्लस बी का हो जाएगा ए बी प्लस, दैट इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे. उसके बाद फॉलोइंग फंक्शंस हमें कुछ प्रोवाइड करने होंगे उस एक्सप्रेशन के ऊपर सिंटेक्स ट्री को बनाने के लिए. अब यहाँ पर देखो, मेनली थ्री होते हैं. फर्स्ट रूल होता है या फर्स्ट फंक्शन होता है एम के नोड. एम के का मीनिंग होता है मेक, एम ए के ई, मेक, मेक नोड. हम क्या करेंगे, एक नोड जनरेट करेंगे. ये नोड कब जनरेट होगा, जब मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है तीन वैल्यूज. ये तीन वैल्यू यानी थ्री फील्ड हैं अलग अलग. पहली फील्ड ओ पी, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर. ऑपरेटर के साथ आएगी लेफ्ट एंड अनादर वन इज राइट. तो इन तीनों वैल्यूज को, इन तीनों लेवल्स को जब हम यूज करेंगे तब हमारा नोड बन जाएगा मेक नोड. दूसरा फंक्शन क्या कहता है, एम के लीफ. ये क्या करेगा, ये मेक लीफ यानी लीफ नोड पर अगर मेरे पास कोई आइडेंटिफायर है तो उस आइडेंटिफायर के लिए हम लेवल यूज करेंगे आईडी और उसकी एंट्री कराएंगे कहाँ, सिंबल टेबल में. सिंबल टेबल में उस आइडेंटिफायर की एंट्री कराएंगे. अगर मेरे पास आइडेंटिफायर की जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो उसके लिए नोड हम क्रिएट करेंगे मेक लीफ नम कॉमा वेल. यानी इस लेबल में तो हम यूज करेंगे नम और यहाँ वैल्यू में उस न्यूमेरिक डिजिट की वैल्यू को स्टोर करा देंगे सिंबल टेबल में. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड, आइडेंटिफायर और न्यूमेरिक डिजिट वैल्यूज. तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवेन है एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस फाइव प्लस जेड. इस एक्सप्रेशन में देखो, हमें सिंटेक्स ट्री बनाना है. यहाँ पर आइडेंटिफायर भी है, यहाँ पर ऑपरेटर्स भी हैं और यहाँ पर एक न्यूमेरिक डिजिट भी है. तो अब हमें इस तरीके के एक्सप्रेशन का अगर सिंटेक्स ट्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, रूल याद रखो. रूल, पहला रूल ये कहता है कि इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में या पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दो. तो याद रखो क्या होता है, x मल्टीप्लाई y है तो ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई माइनस फाइव यानी फाइव माइनस प्लस z यानी z के बाद आ जाएगा प्लस. ये सिंपल सा कन्वर्जन हो गया हमारा इनफिक्स का पोस्टफिक्स में. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे. टेबल में हम एंट्री कराएंगे सिंबल टेबल में और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, सिंटेक्स ट्री बनाना है. तो पहला हमारा देखो यहाँ पर है एक्स. एक्स क्या है, एक आइडेंटिफायर है. तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नोड मेक लीफ. हम क्या करेंगे, अपनी तरह से लेवल्स यूज करेंगे. तो मैंने लेवल यूज करने के लिए यहाँ पर अपनी तरह से नोटेशन दे दिया है P1. तो P1 इज इक्वल मेक लीफ, क्या करेंगे देखो, ID कॉमा एंट्री. एंट्री किसकी करनी है, पॉइंटर टू एंट्री X, यानी सिंबल टेबल में हम इस X की एंट्री करा देंगे. दूसरा हमारा आइडेंटिफायर है Y. इनपुट कराया सिंबल टेबल में, अलग नोड नाम दिया P2 इज इक्वल मेक लीफ
कॉमा ब्रैकेट के अंदर आईडी कॉमा एंट्री किसकी वाई की। नेक्स्ट देखो क्या आ गया ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आया तो मैंने यहाँ वैल्यू ली P3 के लिए। अब चूंकि ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर में फंक्शन यूज करेंगे मेक नोट। तो एम के नोट क्या था ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ऑपरेटर कॉमा अब था वहां पर लेफ्ट कॉमा राइट। तो लेफ्ट और कॉमा राइट में क्या करेंगे जो हमारी इनिशियल वैल्यू आई उसके पहले वो हो जाएगी मेरी लेफ्ट और उसके बाद जो आई वो हो जाएगी मेरी राइट। इसने यहाँ लिख दिया P1, P2। अब देखें उसके बाद आई न्यूमेरिक वैल्यू। तो P4 इज इक्वल एम के लीफ नम कॉमा याद है यहाँ पे लिखा हुआ था वेल वेल यानी इस नंबर में क्या वैल्यू है यहाँ पर है 5 इसलिए मैंने दे दिया 5। माइनस फिर ऑपरेटर आ गया तो P5 इज इक्वल एम के नोट ऑपरेटर यानी माइनस लेफ्ट कॉमा राइट। लेफ्ट में क्या है P3 राइट में क्या है P4। ऐसा नहीं है कि हम वापस से P1 पर पहुंच जाएंगे हम अपनी जस्ट प्रीवियस नोड को कंसीडर करेंगे और प्रीवियस नोड में क्या है P3 और P4 इसलिए यहाँ पर आ गए P3 P4। फिर आइडेंटिफायर हमारा Z तो M के लीफ आइडेंटिफायर सिंबल टेबल में एंट्री कराओ Z देन हमारा आ गया प्लस ऑपरेटर लेफ्ट राइट यानी P5, P6। अब देखो इसका हमने बना दिया सिंटेक्स ट्री कैसे लास्ट वाला नोड देखो प्लस P5, P6 बहुत सिंपल है मैंने यहाँ नोड बना लिए तीन प्लस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है P5 यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है P6। P6 में क्या थी आइडेंटिफायर और ये आइडेंटिफायर क्या कर रहा था सिंबल टेबल में एंट्री यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। P5 में ऑपरेटर लिखा हुआ है यहाँ ऑपरेटर P3, P4 तो ऑपरेटर P3, P4 P4 में क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है तो नम 5 जो सिंबल टेबल में स्टोर करा दिया। P3 में क्या है फिर ऑपरेटर है और दो वैल्यूज हैं P1, P2 तो यहाँ आ गई P1 यहाँ आ गई P2 इन दोनों में क्या है आइडेंटिफायर इन आइडेंटिफायर को मैंने सिंबल टेबल में एंट्री करा दी X और Y की। तो देखो अगर यहाँ इसको हम सिंप्लीफाइज करें तो प्लस क्या आएगा लेफ्ट में माइनस राइट में आइडेंटिफायर क्या है जेड तो यहाँ आ गया जेड माइनस के दो चाइल्ड है यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई लेफ्ट में और राइट में है न्यूमेरिक वैल्यू 5 तो यहाँ आ गया 5 मल्टीप्लाई के फिर फर्दर दो चाइल्ड है आइडेंटिफायर एक्स और वाई तो यहाँ बन गया एक्स और वाई। तो ये कहलाया हमारा सिंपल सिंटेक्स 3। थैंक यू।